देश भर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई गुंडागिरी और लफंगई को देखते हुए दो हफ्ते पहले हम लोगों ने एक सर्वे शुरू कराया था। 21 अप्रैल से ये सर्वे का काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से तीन सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे करवाती है, किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, और तीसरा कि किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे हमने फ़ोन कॉल से, फील्ड सर्वे और कैटी सर्वे के रूप में कराया, तीनों तरीके से कराया। तो दो हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने, और एग्जैक्टली देखें तो 11,54,231 लोगों से इस सर्वे में बात हुई, 11,54,231 लोगों से बात हुई। इसमें दिल्ली की जनता का सर्वे है ये, कि हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। तीसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, भारतीय जनता पार्टी 10% और अदर्स 2%। 73% आप, कांग्रेस 15%, बीजेपी 10%, अदर्स 2%। तो आज ये सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, कि इनको ना सरकार चलानी आती, ना इनको कोई काम करना आता, ना स्कूल की बात करनी आती, ना अस्पताल की बात करनी आती, ना रोज़गार की बात करनी आती, ना महंगाई पे कुछ करना आता, केवल गुंडाई आती है। जहाँ भी इनको सत्ता मिलती है केवल और केवल गुंडाई दिखाते हैं, गुंडाई करते हैं सड़क पर उतर के, वो चाहे मुख्यमंत्री के घर पर चढ़ाव करना हो या आम आदमी के घर पर चढ़ाव करना हो, गुंडाई के अलावा इनको कुछ नहीं आता, और उसी में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता भी इस बात को मानती है, 11,54,231 लोगों ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई एक गुंडागिरी की पार्टी है, अब वो जनता और सरकार की पार्टी नहीं है। थैंक यू सर। आज से निर्माण स्थल पे जो मजदूरों के लिए बस की सेवा शुरू की गई, नहीं, निर्माण स्थल पे तो मजदूरों के लिए बस सेवा, बस फ्री पास दिया गया है, और करीब 10 लाख मजदूरों को दिल्ली के उसका फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए तो पहले से ही सबके लिए बस में फ्री यात्रा है, पर निर्माण मजदूरों के लिए भी सरकार की ओर से फ्री पास दिया जाएगा। कैसे कराया गया, कितने दिनों में कराया गया पूरा? जैसा मैंने बताया, दो हफ्ते ये सर्वे कराने में लगे, और इसमें IVR कॉल्स के माध्यम से, फील्ड सर्वे के माध्यम से, कैटी सर्वे के माध्यम से, तीनों तरीके से इसको कराया गया था। नहीं, ये तो हमने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में खूब पैसे खा खा के, और यही सर्वे में भी निकल के आ रहा है, ये जो आज बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई का ही नतीजा है, कि पहले तो पैसे लेके लोगों से अवैध उनकी रेहड़ी पटरी लगवाई, नेताओं ने महल दो महले बना लिए। बुलडोजर चलना है तो सबसे पहले उन नेताओं और उन अफसरों के घर पर चलना चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से इन मकानों को या दुकानों को बनने दिया, अतिक्रमण होने दिया। सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी और के नेताओं ने और उनके अफसरों ने
17 साल में अतिक्रमण करने दिया है तो फिर उनको भी चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए पहले, उसके बाद में किसी गरीब आदमी को दुखी किया जाए। पूरी दिल्ली में पूरी दिल्ली स्प्रेड होगा। सर जहाँ भी आप सर्वे करा रहे हैं, वहीं पे लाउडस्पीकर का मुद्दा भी बहुत उठा हुआ है, यूपी में तमाम जगह पे हटाए गए, महाराष्ट्र में उठा हुआ है, दिल्ली के सांसद प्रवेश शर्मा लिख रहे हैं कि दिल्ली से भी हटने चाहिए, तो शायद वो भूल गए, पुलिस हमको दे दें हम डिसीजन ले लेंगे, पुलिस उनके पास में है फैसला क्यों नहीं लेते, ये भी इसमें भी गुंडे। पुलिस जिसके पास में वो बताए ना क्या चाहता है वो ना...